चराग उठाओ कि आफताब जलाए, जरा कदम तो उठाओ कि एक राह बनाए। उतारो पांव से मेहंदी की ये पांव जलते हैं, उतर के राह पे देखो कि ये पांव चलते हैं। क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है, क्योंकि जीना इसी का नाम है। रेखा बेटी, तुझे एक बात कहनी है। हाँ कहिए ना। मुझे माफ कर देना बेटी। कैसी बातें कर रहे हो बाबा? नहीं बेटी, मेरे मन पर बोझ है, मैंने तेरे साथ अच्छा बर्ताव नहीं किया, मैं डर गया था बेटी, अपने आप से डर गया था, इस दुनिया से डर गया था, झूठी मान मर्यादा ने डरा दिया था मुझे, कहीं मुझे भी ये HIV तुझसे ना लग जाए, इस बात से डर गया था बेटी। मैं तेरा गुनहगार हूं बेटी, मुझे माफ कर दे, माफ कर दे बेटी। कुछ तो बोल, जो चाहे सजा दे दे। सजा तो मिलेगी बाबा, लेकिन बाद में, पहले तुम्हें मुर्गा बनना पड़ेगा। याद है ना चोर पुलिस के खेल में बचपन में जैसे बनते थे, ये दरोगा आज भी बड़ा सख्त है। ठीक है, मैं बनता हूं मुर्गा। नहीं बाबा, नहीं। मेरी बच्ची, मेरी बच्ची, मेरी बेटी। ये गेहूं क्या भाव दी भैया? कितने किलो लेना चाची? भाव तो लगी जाएंगे। अरे कितने किलो क्या, अब तो सारे के सारे इन्हीं को दे दे, अब इनका हाथ लगने के बाद खाएगा कौन है गेहूं? क्यों, क्या बात हो गई? आहा, बड़ा भोला बना फिरता है। अरे क्या तू नहीं जानता, इन सीता देवी के घर में HIV की मरीज है, अपने घर में HIV है तो ये चली सारे गांव में फैलाने, अपने साथ साथ सारे गांव की जान खतरे में डालेंगी। हाँ बहन, जब मेरे ही भाग फूटे हो तो मैं किसी और को क्या कहूं। ठहर सीता, कौन से भाग फूट गए तेरे हैं? अरे चाची, अब तुम्हें भी सारी कहानी फिर से सुनानी पड़ेगी क्या? अरे इनकी रेखा को HIV है और जो भी इन्हें छुएगा ना उसे ही। अरे जब बात पूरी ना पता हो ना तो मुंह ना खोला कर। किसने कह दिया तुझे कि छूने से HIV होता है? अरे अगर ऐसा होता ना तो मैं तो कब की राम जी को प्यारी हो गई होती। हाँ अब कौन जाने चाची कि तुम्हें HIV नहीं है, क्या पता तुम्हें भी हो। अरे छोरी, मुंह में जबान मिली है ना तो इसका मतलब ये ना है कि यहां वहां फिसलती रहे, और कान खोलकर सुन ले, तू जिस दिन कहेगी ना उसी दिन मैं तेरे साथ ICTC चलूंगी और तेरे सामने अपने खून की जांच करवाऊंगी, समझी? और अगर कहेगी तो मैं अपनी बहू और पोती को भी साथ ले आऊंगी। हाँ अरे रात रात चिल्लाने से दिन रात में ना बदल जाता, अगर पता ना हो तो पता कर ले। HIV साथ रहने से, साथ खाने से, हैं गले मिलने से, एक ही गमछा इस्तेमाल करने से, यहां तक कि
खांसने और छींकने से भी ना फैलता, समझी? मैं तो दुआ दूं कि हमारे राजपुरा में सबके अंदर समझदारी आए, सारी गलत फहमियां दूर हो जाए, और जो किसी को HIV हो तो हम उसे इज्जत मान दे सकें। समझ गया ना तू भी? और सुन, तुझे जो भी लेना है ना तू ले ले, चल ले। देख, चुप रहने से काम ना चलेगा। अरे जिंदगी में मुसीबतें आती हैं तो उनका सामना हिम्मत से करना चाहिए, समझी? और दो, तुम्हें भी राजमा बहुत पसंद है ना? मुझे भी राजमा बहुत अच्छा लगता है, मेरा फेवरेट है। फेवरेट? फेवरेट मतलब सबसे अच्छा, मन पसंद। फेवरेट? देखा भाभी कितना अच्छा राजमा बनाती है ना? पता है जब मैं गांव से आती हूँ ना तो 2-3 दिन तक रोज राजमा ही बनता है। राजपुरा में होती हूँ तो खुद खाना बनाना पड़ता है, और मुझसे तो इतना अच्छा राजमा बिल्कुल नहीं बनता। क्या हुआ कजरी? पता है कजरी, मेरे सामने जब मेरा फेवरेट राजमा आता है ना, मैं तो 1 मिनट भी नहीं रुक पाती, फटाफट सारा खत्म कर देती हूँ। राजपुरा में होती हूँ तो यहाँ के राजमा की बहुत याद आती है, और जब यहाँ होती हूँ तो राजपुरा की बहुत सारी चीजें बहुत याद आती हैं। राजपुरा में कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं ना कजरी, जैसे खेत, नहर, स्कूल, मंदिर। तुम्हें वहां सबसे अच्छा क्या लगता है? मुझे तो वहां सरसों के खेत सबसे अच्छे लगते हैं, बहुत पसंद है मुझे। तुम वहां खेलने जाती होंगी ना? वैसे कजरी, राजपुरा में तुम्हारे कौन कौन से दोस्त हैं? कुसुम, उषा, बलराम, चीकू, और हाँ मेरी एक सबसे अच्छी दोस्त है मीना। मीना? अरे वाह, मीना तो मेरी भी बहुत अच्छी दोस्त है। कजरी अब खाना खाओ, नहीं तो तुम्हारा फेवरेट राजमा ठंडा हो जाएगा। अब हम ना राजपुरा जाके मैं, तुम और मीना तीनों पक्की दोस्त बन जाएंगे, ठीक है? आप मेरे घर आओगी ना? मेरी माँ भी बहुत अच्छा खाना बनाती है। मैं तो तुम्हारे घर रोज आऊंगी, तो मुझे रोज खाना खिलाओगी? हाँ। तुम्हारी माँ ये तो नहीं कहेगी, पता नहीं कैसी दोस्त है कजरी की, रोज रोज खाना खाने आ जाती है? नहीं, मैं उससे बोल दूंगी। क्या बोल दूंगी? आप मेरी फेवरेट हो ना। चाची, नमस्ते। चाची कैसी हो? जो वक्त निकल जाए वही अच्छा है। क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, तुम सुनाओ। चाची मैं तो तुम्हारे पास ही आने वाली थी तुम्हें बुलावा देने। कैसा बुलावा? चाची हम लोगों ने गांव में एक रस्म बनाई है, जो भी लड़की पेट से होती है हम आंगनवाड़ी में उसकी गोद भराई करते हैं, जिससे वो अपना गर्भ छुपाए नहीं और उसे जल्द से जल्द सारी स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। अब चाची हमारी रेखा पेट से है, इसलिए आते बुधवार को आंगनवाड़ी में उसकी गोद भराई होगी। नहीं कमला, अब ये सब रहने दे। पहले ही गांव में मुंह दिखाना मुश्किल हो गया है, जिसके मुंह में जो आता है वो बोल देता है, उस पर से ये सब होगा तो अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। पर चाची, क्यों इस उम्र में हमारी इज्जत उतरवाना चाहती है बेटा? गांव में पता चलेगा कि रेखा की गोद भराई है, पहले तो कोई आएगा नहीं, और अगर कोई आया भी तो हमें जलील करने के सिवा और कुछ नहीं करेगा। मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, हमें माफ कर इन सबसे।